15 अगस्त से पहले यूपी में पाकिस्तानी झंडा फहरा दिया गया। बता दें कुशीनगर में युवक ने घर में झंडा फहराया और वो भी पाकिस्तानी झंडा। स्थानीय लोगों में आक्रोश दिखाया, फिलहाल तो केस दर्ज कर लिया गया है। आस मोहम्मद अंसारी ने अपने घर की छत पर पाकिस्तानी झंडा लगाया। सूचना मिलने पर पाकिस्तानी झंडे को पुलिस ने उतरवाया है। ये बड़ी खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं कुशीनगर से। स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश दिखा है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस शख्स ने अपने घर की छत पर पाकिस्तानी झंडा लगा रखा है, जहां एक ओर 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा, वहीं दूसरी ओर इस शख्स ने अपने घर की छत पर पाकिस्तानी झंडा लगाया है। आपको बता दें पुलिस पहुंची, जैसे ही सूचना मिली पुलिस ने इस झंडे को उतरवाया और मामला दर्ज किया गया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले पाकिस्तानी झंडा इस शख्स ने अपने घर की छत पर फहराया। मामले को लेकर स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। फिलहाल तो मामला दर्ज कर लिया गया है, सूचना पर पुलिस पहुंची जिसके बाद पाकिस्तानी झंडा उतरवाया गया। आस मोहम्मद अंसारी नाम बताया जा रहा है इस शख्स का, जिसने स्वतंत्रता दिवस से पहले ही पाकिस्तानी झंडा अपने घर की छत पर फहरा दिया। कुशीनगर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लोगों में भारी आक्रोश भी देखा जा रहा है इसके बाद। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और छत से ये झंडा उतरवाया भी और शख्स के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। गुड्डू कुमार संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गुड्डू, आपसे जानेंगे, पाकिस्तानी झंडा कुशीनगर में फहराया गया है, शख्स का नाम आस मोहम्मद अंसारी बताया जा रहा है, कहाँ के मूल निवासी हैं, आखिर ऐसी घटना क्यों सामने आई? जिस तरीके से अभी ये हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं स्वतंत्रता दिवस को, जिसको भव्य बनाने के लिए चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुखिया हो चाहे वो देश के मुखिया हो, इसको लेकर के हर वो जतन अपनाए जा रहे हैं, जिसके चलते यह जो 75वीं वर्षगांठ है ये एक अपने आप अलग छाप छोड़े और एक अलग ही इसकी पहचान बने। जिसको लेकर के कल जब इस अभियान की शुरुआत की गई तो सभी लोग अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराना शुरू कर दिए। इसी दौरान ये कुशीनगर जनपद का तिया सुजान थाना क्षेत्र का एक बेदूपार गाँव है, जहाँ मुस्तकिल टोले पे ये बताया जा रहा है कि 10 वर्षीय लड़का है जो पाकिस्तानी झंडा लहरा रहा था। हालांकि इसके साथ इसकी बहन भी है या इसके बगल की एक लड़की है वो भी इसके साथ है, एक और युवक है। तीन लोग मिलकर इस झंडे को आप वीडियो में देख सकते हैं जिस तरीके से पहले दूसरे जगह लगा था, फिर वहां से उतार के फिर जहाँ से दिखने वाला जो जगह था वहां लगाया गया। तो कहीं ना कहीं ये अगर माना जाए तो अगर वो लड़का अबोध था तो सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिर ये पाकिस्तान का झंडा आया कहाँ से और इसको कैसे लाया गया, तो सबसे बड़ा सवालिया निशान ये खड़ा होता है। और पुलिस हालांकि मुकदमा दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है, लेकिन अगर वही हम दूसरी तरफ बात करें तो पुलिस की कार्रवाई सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अगर ये झंडा आया है तो जनपद में और भी जगह ऐसा होगा और कहीं ना कहीं यह लोगों का मानना है कि वो 10 वर्षीय अबोध बालक ये बिल्कुल नहीं जानता है कि ये पाकिस्तानी झंडा है और इसे कैसे लगाना है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इसकी सप्लाई कहीं और से की गई है और जिले में पूछताछ की गई है। क्या इस मामले में अगर पूछताछ की गई है तो क्या कुछ सामने निकल कर आ रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से इस मामले में हमारी एसओ से बात हुई, उन्होंने बताया कि जब लड़के को ला करके पूछताछ किया गया तो लड़का कुछ भी नहीं बोल रहा है, सिर्फ वो यही बोलने के लिए तैयार है कि झंडा मैं लगाया था और मेरे घर पे झंडा था और मैं लगा दिया। तो सबसे बड़ा सवालिया निशान यही खड़ा होता है फिर कोमल, कि आखिर ये झंडा आया कहाँ से, या तो इसे खरीदा गया तो कहाँ बिक रहा था, या अगर घर पे बनाया गया तो किसने बनाया, क्योंकि पाकिस्तानी झंडा बनाना इतनी आसान चीज नहीं है। चलिए बहुत शुक्रिया गुड्डू ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो कुशीनगर से ये खबर आप तक पहुंचा रहे थे, जहां शख्स ने अपनी घर की छत पर पाकिस्तानी झंडा फहराया, फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। द
डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।